हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 10 का स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं टेकमैन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपको भी विंडोज़ 10 का स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। गाइस, आपको कीबोर्ड में स्टार्ट प्लस जी बटन दबाना है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्टार्ट बटन होता है, जैसे कि मैंने आपको ये ओपन करके दिखा रहा हूँ, आपको इसे प्रेस करना है और जी बटन दबाना है। जैसे ही आप जी बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो ओपन हो जाएगा। जो से ये स्क्रीन रिकॉर्डर है वो एक्सबॉक्स की तरफ से आता है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको कोई ऐसा एक पैनल मिलेगा। पैनल में आप देख सकते हैं आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है, आप यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो आप कौन सी ऑडियो आप यहाँ ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से आप सिस्टम ऑडियो ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं OBS में अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये मैं OBS की आवाज़ यहाँ से कम कर सकता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फीचर है कैप्चर का, तो आप देख सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप ये माउस लेके जाएंगे तो यहाँ आपको बता देगा स्टार्ट प्लस आल्ट जी। जैसे कि मैं यहाँ स्टार्ट बटन और आल्ट दबा के जी दबाता हूँ तो मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गेमिंग फीचर्स अवेलेबल फॉर विंडोज डेस्कटॉप फॉर फाइल एक्सप्लोरर। जब आप गेम चलाएंगे आप कंप्यूटर में कोई भी, तो आप ये यहाँ से फीचर ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सा टास्क मैनेजर है जो सा यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं आपके CPU कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, GPU कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, RAM कितना परसेंट यूज़ हो रही है, FPS कितने आ रहे हैं। गाइस, इसके बाद फीचर आता है यहाँ से रिसोर्सेज का, आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कौन से ऐप यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आप अपने ऐप देख सकता हूँ कितने चल रहे हैं। गाइस, आप भी इसी तरह अपने विंडोज 10 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक किया, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जर्नल है, जर्नल में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। शो टिप्स व्हेन वी स्टार्ट ए गेम, अगर आपको टिप्स चाहिए कि कैसे ऑन करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, गेम जब चलेगी तब आपको ये यहाँ से पता लग सकता है। इसके बाद ये शॉर्टकट, आप यहाँ से की डाल सकते हैं, जैसे कि अपने अगर वीडियो ऑन करनी है तो आप शॉर्टकट की डाल सकते हैं। इसके बाद आता है अकाउंट, अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये मेन्यू, अगर आपको मेन्यू में जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट बाय स्पॉटिफाई यहाँ पर मेन्यू में लगा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन, आप यहां से देख सकते हैं डार्क मोड में अभी, इसको आप लाइट मोड में भी कर सकते हैं, इसे करंट विंडोज़ थीम पर भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहां पे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके बाद आता है कैप्चरिंग, आप यहां क्लिक कीजिए, इसके बाद लिखा हुआ नॉन डिसेबल ऑल ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने यहाँ क्लिक कर रखा है। आपको अगर गेमिंग पर क्लिक करना है तो आप गेम पर क्लिक कर सकते हैं, गेम में भी माइक ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप गेम में भी और माइक में सिस्टम में भी सब में माइक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फीचर आता है गेमिंग फीचर्स। अब इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप गेम खेलते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको वापस से कंट्रोल ये स्टार्ट बटन जी दबाना है, इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर पर क्लिक करना है। कैप्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देख सकते हैं गेमिंग फीचर कैन नॉट अवेलेबल, तो आपको गेम ओपन करने मिलेगी तभी आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको कट कर देता हूँ, कट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक गेम पड़ी हुई है, इस गेम को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गेम ओपन कर लिया, इसके बाद मैं वापस से अपना स्टार्ट बटन दबा के जी दबाता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ कैप्चर पर गया और देख सकते हैं आप जैसे कि ये मेरा ये ऑप्शन है जो ओपन हो चुका है, इसमें क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं गेम क्लिप रिकॉर्डेड, तो आप देख सकते हैं गेम क्लिप है जो रिकॉर्ड हो रही है, इसे मैं वापस से क्लिक करता हूँ जैसे कि गेम रिकॉर्डिंग है वो रुक चुकी है। जैसे कि मैं शो ऑल कैप्चर पर गया, इसके बाद आप देख सकते हैं मैं फोल्डर पर गया, फोल्डर में आप देख सकते हैं
अपने से गेम कैप्चर से अभी मेरी हो रही थी तो यहाँ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। गाइस इसी तरह ही आप भी विंडोज़ 10 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हैं विंडोज़ 10 का। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।